हेलो दोस्तों, मैं निक्की जैन आपका शॉर्टकट किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे मेरी मम्मी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो उन्होंने मुझसे की है, होममेड सांभर मसाला। इस लॉकडाउन के पीरियड में ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही है, तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे आप भी ज़रूर से बनाएं और ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही बढ़िया मसाला है। चलिए इसे बनाते हैं। हमें इसके लिए चाहिए, ये हमने आधा से ज़्यादा मेथी दाना लिया है, पौना कटोरी लगभग है, मतलब आधा कटोरी से भी एक भाग ज़्यादा ये हमने लिया है मेथी दाना। आधा कटोरी लिया है हमने धनिया गोटा, दो तेज़पत्ता, एक टेबलस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून हींग पाउडर। अगर हींग स्ट्रॉन्ग हो तो आप थोड़ा कम लें, नॉर्मल हींग हो तो हाफ टी स्पून। जीरा हमें लेना है ये 3 से 4 टेबलस्पून। 10 से 15 हमें लौंग लेना है, थोड़ा कम बेसी रेशियो हो तो कोई बात नहीं, वो टेस्ट बराबर ही बन के आएगा। और हमें इसमें लेना है 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च लाल, अगर तीखी वाली हो तो 1 ही टीस्पून लेनी है। बस हम इतने मसालों से ही बहुत ही बढ़िया घर में तैयार होने वाला सांभर मसाला बनाएंगे। हम इसमें कोई तरह की दाल ऐड नहीं करेंगे, दाल ऐड करने से काफ़ी मसालों का ख़राब होने का चांस रहता है। बस इन्हीं मसालों से होममेड बहुत अच्छा सांभर मसाला बनाएंगे जो बाज़ार से भी काफ़ी अच्छा बनेगा। सबसे पहले हमें एक पैन या कढ़ाई लेनी है, मैंने कम पे गैस ऑन कर दिया है। हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना, ये मैं कम पे ही रोस्ट कर रही हूँ, नॉन स्टिक पैन है ये, 30 सेकेंड हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, तेज पत्ता, लौंग, जीरा, इसे अच्छे से कम पे थोड़ी देर भून लेना है, काला नहीं करना है, इसे हमें हल्का सा ब्राउनिश टच देना है कि ये सब सिक जाए मसाले अच्छे से। लगभग हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए, देखिए ये ब्राउनिश कलर आ गया है हल्का। अब हम इसमें गैस बंद कर देंगे, हमें इस तरह से सेक लेना है, इसे काला नहीं करना है। देखिए ये हमारा हो गया है मसाला रेडी, हमें ये गैस बंद किए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग के लिए हल्दी पाउडर, हमें इसे चलाते रहना है कंटिन्यू, बंद करने के बाद भी ये गर्म रहता है। देखिए गैस बंद है लेकिन फिर भी हमें इसे 2 मिनट चलाते ही रहना है ताकि हल्दी भी थोड़ी सी भुन जाए। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये आप थोड़ा कम बेसी अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। ठंडा हो गया है बिल्कुल, अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है बारीक। देखिए कितना बढ़िया ये पीसने के बाद तैयार हो गया है हमारा सांभर मसाला। घर में ही मौजूद मसालों से हमने बनाया है, हमें बाज़ार भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बड़ी आसानी से, और ये बहुत ही टेस्टी मसाला होता है, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। अब हम इसे कोई भी जार में बंद करके फ्रिज में रख दें, जैसे हम सांभर मसाला रखते हैं, बाहर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रिज के। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।